नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम कम तेल में बना हुआ हल्का फुल्का नाश्ता बेसन का ढोकला बनाएंगे। तो आइए देखते हैं बेसन का ढोकला बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। बेसन 2 कप, 2 नींबू का रस ले लिया है, अदरक 1 इंच टुकड़ा जो कद्दूकस कर लिया है, नमक स्वादानुसार या 1 छोटी चम्मच से थोड़ा कम, इनो पाउडर 1 छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम, तेल 2-3 टेबल स्पून बेसन में डालेंगे और तड़का लगाने के लिए चाहिए, धनिया बारीक कटा हुआ 2-3 टेबल स्पून, हरी मिर्च 2 जो लंबाई में काट लिए, चीनी 1 छोटी चम्मच, राई 1/2 छोटी चम्मच। बेसन घोलना शुरू करते हैं। इसकी गुठलियाँ ख़त्म कर लेंगे घोलते घोलते। ये बेसन हमने घोल के गुठलियाँ ख़त्म कर ली हैं। इसमें हम ये नींबू का रस डाल देंगे, अदरक डाल देंगे, और ये नमक। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब ये थोड़ा सा गाढ़ा है, थोड़ा सा पानी और डाल देंगे और 1 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। ये इडली के घोल जैसा वाटर हम तैयार कर लेंगे। इसको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि बेसन अच्छे से फूल के तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम इनो डालेंगे और ढोकला बनने के लिए रखेंगे। ये घोल हमारा फूल के तैयार हो गया है। 10 मिनट हमने इस घोल को रख लिया और अब हम ढोकला बना लेते हैं। तो किसी बर्तन में जिसमें कि हम ढोकला पकाएंगे, ऐसी थाली लेंगे कि जो इस बर्तन के अंदर आ जाए। जैसे एक कोई जाली स्टैंड रखेंगे इस बर्तन में, पानी रख लेंगे, या फिर स्टीमर स्पेशली आते हैं उन्हें यूज़ करेंगे। तो ये हमारे अपना घर का बर्तन है जो जिसमें हम ढोकला बना सकते हैं। तो ये हमने चाली स्टैंड रख लिया, थाली इसमें आ जाएगी। इसमें हम बेसन भर के ढोकला पकने के लिए रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पानी गर्म करते हैं। करीब 2 कप पानी डाल देंगे, 2-2.5 कप, क्योंकि 20 मिनट तक हमें ढोकला पकाना है तो उसी पानी में पकना है। इसको ढक देते हैं, भाप जल्दी बन जाएगी। और जब तक हम अपने घोल को थाली में डाल के तैयार कर लेते हैं। तो ये घोल हमने फैट लिया थोड़ा, और इनो पाउडर, इससे भी पहले हम थाली को चिकना कर लेंगे थोड़ा तेल डाल करके। इनो पाउडर हम सबसे बाद में डालते हैं जब सारी तैयारी हो जाती है। ये थाली को हमने चिकना कर लिया। इनो पाउडर इसमें डाल के मिला देंगे और इतना ही फैटना है जब तक कि इसमें एयर बबल बन जाए। ज़्यादा नहीं फैटना हमको। ये हम बेसन को फैट रहे हैं। अभी देखेंगे आप बेसन कितना फ्लफी हो गया। इसको तुरंत हम थाली में डाल करके पकने रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इनो पाउडर हमने डाला और हम इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दें, अब बाद में ढोकला पकाएंगे। ऐसा करने से फिर ढोकला फूलेगा नहीं, क्योंकि जो इनो साल्ट की वजह से जो गैसेस बन रही हैं वो बाहर निकल जाएंगी इतनी देर में। ये हम थाली को इसके अंदर रख देंगे। और इसे ऐसे ढक देंगे। और अब हमें
20 मिनट तक ढोकला पकाना है। बीस मिनट हो गए हैं, ढोकला को खोल करके चेक कर लेते हैं। ढोकला अच्छा फूला है, चेक कर लेते हैं कि ढोकला बन गया है कि नहीं। तो चाकू हम लगाएं तो चाकू हमारा साफ़ निकलना चाहिए। चाकू साफ़ निकल आया है, ढोकला पक कर के तैयार है, गैस बंद कर देंगे। ये ढोकला थोड़ा ठंडा हो गया है और अब हम इसे थाली में से निकाल लेंगे। तो थाली में से निकालने के लिए हम चारों ओर चाकू से इस तरीके से पूरा हटा लेंगे। और फिर दूसरी थाली में ये देखिए बहुत ही अच्छा ढोकला बना है। और अब इसके अपने मनपसंद पीसेस कर लेंगे। और अब हमें ढोकला पर तड़का लगाना है। तो तड़का लगाने के लिए हमें पैन चाहिए छोटा, छोटे पैन में 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हो जाए राई चटकने लगेगी। राई चटक रही है और अब हम इसमें ये हरी मिर्च भी डाल के तड़का लेंगे। गैस थोड़ी कम कर देंगे। और आधा कप पानी डाल, पानी ज़्यादा भी ले सकते हैं, 1 कप पानी भी ले सकते हैं। पानी में चीनी और ये थोड़ा सा नमक। पानी में उबाल आने के बाद इस पानी को ढोकले के ऊपर डालेंगे। हमने ढोकला में डालने के लिए 1/2 कप पानी यूज़ किया है। वैसे 1/2 कप से लेकर के 1.5 कप पानी तक यूज़ किया जा सकता है। पानी में उबाल आ गई है, चीनी घुल गई है पानी में। तो ये पानी हम ढोकला के ऊपर इस तरीके से डालेंगे। और ऊपर से हरे धनिया की गार्निश कर देंगे। बेसन का स्वादिष्ट स्पंजी ढोकला तैयार है। जब भी आपका कम तेल का हल्का फुल्का नाश्ता खाने का मन करे तब आप बेसन का ढोकला बनाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं nishamadhulika.com पर।